अरे बंट संजय अटे कवि कुंप मुणुतरा किशन रेडी सपोर्टा कुर्चुटा किशन रेडी कुर्चुने बीजेपी कार्यकर्ता नायक एम चलो अर्थम कदो अंडरस्टांग अवीएंटे वास्तवा इक मन बीजेपी चेयलेम काबी बीजेपी चेयलेम काबी इक आलटर्नेट वालक बीआरएस वनमेटा मन के दम ले बीजेपी मन के सत्ता ले बीजेपी मन शातका लीडर बीजेपी राष्ट्र में उड़ेमें सड़न इक टीआरएस बैकग्राउंड कविता ड्राप वील लेपर इला लेपी एमआईएम सैनिक पात्र मैं चेस्ट चूस्त कदा चेस्ट आट आड़ा कदा आ मुंगल सैनिक राजुटा कदा आ सैनिक पात्र एमआईएम यदि मैनारटी ओटू कांग्रेस पोक आ ओटू वाले चीलुटे मुस्लिम ओटू एमआईएम चीलचाली यांटी व्यतिरेकता ओट मन चेयलेम काबी इपड़की बीजेपी पोटे ओन बीआरएस कांग्रेस पोटीला उंटदी इक मन बैकग्राउंड गेम आड़दा बीजेपी अंदुके ई मध्य कांग्रेस अन्नी बुक्कल पैसलु कांग्रेस दर पैसलु ईडी वच्ची अटैक चेस्तुंटे एमनुंदा ईडी इनकम टैक्स सारी इनकम टैक्स वाल्लकु केएलआर दर पैसलु बुक्कल अयिताडा ना दे वस्ते अड़चिपाल दें इनकम टैक्स नागे उड़ी मरी आज सुखा तिगता आयना ना दर इंत लिस्ट ना दर इच्छा लिस्ट उ अभी मुझे पड़ता इनकम टैक्स वाल अंत मेम का मिथि एदो राज प्रजा सेव चेयी षोक पब्लिक तिगे पब्लिक पंचाली पंडल चेयर पपाल चेयर ना इंट्रस्ट ना शोक नाक अपना सपोजेस्ता कल रियल एस्टेट कल अल कम इलाटे नेमंटे चाल अन्यायमें बीजेपी इंत अन्याय अम्म अधिकार सिद्धांत नम्मक सिद्धांत दुक्त इंत दुर्मार्गम राजकीय का अभी कांग्रेस वैसी बीजेपी टीआरएस बीजेपी बैकग्राउंड टीआरएस एमआईएम तो आड़त आट मैनारटी सोदर को अपील मुस्लिम सोदर लारा मेरा बहन भाईने भाई मेरा बहन भाईयो मुसलमान तेलंगाना के मुसलमान को मेरा अपील है एमआईएम को भरोसा ये साल मत करो ये इलेक्शन में एमआईएम को भरोसा मत करो आपका जिंदगी के लिए आप सोचो मुसलमान भाइयों आपके घर वालों के लिए आप सोचो मजहब के नाम पे आप जज्बात में मत जाओ मजहब अटे अर्थम मतम पेर मीद आवेश मजहब के नाम पे आप जज्बात में मत जाओ आपके बीबी आपके बच्चों के लिए सोचो मुसलमान भाइयों आपका घर के लिए सोचो आपका घर क्या हाल है आपके बेटे बेटी क्या कर रही है वो लोगों का पढ़ाई क्या चल रहा है वो लोगों का जॉब के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग धंधे के लिए पैसे नहीं है क्या जिंदगी है आपका। हैदराबाद में 40 साल से जो अकबर असद बोलता है असेंबली में मुसलमानों के लिए कुछ क्या करे एक बार मैं पूछता हूं क्या करे असद असद एंड असद ओवैसी अकबर ओवैसी मैं सवाल पूछना चाह मैं सवाल पूछ रहा मैं बहुत बार असेंबली में मैं देखा मैं 2000 में आप थे आप बोले थे
भाई 2000 में बेहतरीन सीएम राजशेखर साहब बोले, बाद में रोशन साहब को बोले बेहतरीन सीएम बोले आप, किरण कुमार रेड्डी को बोले बेहतरीन सीएम बोले आप, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू को बेहतरीन सीएम बोले आप, फिर बाद में केसीआर साहब को बेहतरीन सीएम बोले आप। जिंदगी पूरा 40 साल में आपका जिंदगी पॉलिटिक्स पूरा बेहतरीन सीएम बोला ही है आपका काम है, कन एक दिन आपके मुसलमान जो भाई है वो लोग जिंदगी लिए कभी आप लड़े क्या? वो लोग का हाल क्या है वोल सिटी में, वो लोग जिंदगी कैसे है वो सोचे क्या आप? कुछ नहीं। कभी अगर इलेक्शन के टाइम पे बाहर निकलते हैं, अभी केसीआर साहब डिसीजन दे रहे हैं, वो डिसीजन के हिसाब से आप हरे कॉन्फ्रेंस को जाते हैं, वहां मुसलमान के लिए कुछ कुछ भटकाने का भाषण देते हैं, अल्लाह अल्लाह में यही क्या आपको बोला है?